हाय गाइस, 31 की शाम है अभी और बैंगलोर में तो नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। पहले कह रहे थे 10 बजे लगेगा और अभी न्यूज़ आई है कि 6 बजे से आज बैंगलोर में नाइट कर्फ्यू है। तो ये स्पेकुलेशन हम लोगों का बहुत पहले से था। तो जो हमारी पूरी की पूरी टीम है, इन लोगों ने प्लान किया है कि बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में तमिलनाडु में कृष्णगिरी करके एक जगह है, वहाँ पर जाके हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो पूरा 2 दिन का ट्रिप है और यहाँ से हमें 2 घंटे लगने वाले हैं, शायद थोड़ा और हम ब्रेक दे के जाएंगे। तो रास्ते में अगर कुछ अच्छे स्पॉट्स मिले मुझे तो मैं कवर करूँगा आप लोगों के लिए। और कौन कौन है आज हमारे साथ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपनी पूरी टीम से आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंडी, हाय, जो हमको लेके जाने वाला है अभी कृष्णगिरी, और शोशी, और ये Hello. एक छोटा स्पेशल गेस्ट, हाई कर दो, हाई कर दो, और देवजली। तो चलो भाई, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं तो चलते हैं। बिल्कुल छोटे, किस साइड बैठोगे तुम? ओह, तो मुझे उस साइड बैठाओगे। पानी की बॉटल्स लेनी पड़ेंगी भाई। जय श्री राम है। चलो भाई, जय श्री राम, शुरू कर रहे हैं। देखते हैं बच्चा कैसे एंजॉय करेगा। तो बहुत बढ़िया, टिगोर की सवारी आज मिलेगी हमको। एंडी तो शायद ऑलरेडी बहुत इस पे ट्रिप मार चुका है। दिल्ली में भी 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है और बैंगलोर में तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लास्ट 2 दिन से सारे के सारे लोग बाहर मूव कर रहे हैं बैंगलोर में। यूजुअली ऐसा होता था कि मैसूर से भी लोग पार्टी करने बैंगलोर आ रहे हैं, बट अभी इस नाइट कर्फ्यू के चलते सारे लोगों की इंटेंशन ये है कि बैंगलोर से जल्दी जल्दी बाहर निकले। हम लोगों का प्लान भी था जल्दी जाने का, बट क्योंकि मेरा ऑफिस था, ऑफिस मैंने अटेंड किया तो काफ़ी लेट हो चुकी है। सबको मैंने इरिटेट भी किया और लेट भी किया है। फेसेस आप देख सकते हो, शायद सबसे ज़्यादा गुस्से में देवजनी हो सकती है, मास्क लगा हुआ पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। करीब करीब 2 घंटा लगा क्योंकि बीच में थोड़ा स्लो भी हुए हैं। और जो ये जगह है तो मैं खुद बाद में बोलूंगा। एंडी, कैसा लग रहा था जिस जगह पे आके? बहुत ही बढ़िया भाई, मैंने अपने पूरे लाइफ में इससे ज़्यादा क्लीन और वेल डिज़ाइंड रिजॉर्ट आज तक नहीं देखा है। और इसकी तारीफ करने के लिए ये वर्ड्स भी कम हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये अंदर पूरा दिखाने वाला हूँ। और आप खुद एक कॉल ले सकते हो कि अगर बैंगलोर से आपको कहीं जाना है 2 घंटे की ड्राइव पे और आप एक कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी स्टे चाह रहे हो तो कहाँ जा सकते हो? अभी पूरा हम लोगों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब पार्क हो गई, सामान निकल रहा है। इससे हो गया सामान पूरा निकल गया इससे? ठीक है, यह है एंट्रेंस, शायद छत पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे, इससे पहले कि कल लोग इसको तबाह करें मैं इसको शूट कर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया दे रखा है इन्होंने। और हर जगह कुछ ना कुछ है आपकी डिस्कवरी के लिए और एडवेंचर के लिए। तो ये एक साइड में प्राइवेट लॉन है इनका। और उसके बगल में ही यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, बारबेक्यू भी मेरे को दिख रहा है, बट क्योंकि बारिश हो रही है तो बारबेक्यू का तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसको कर देते हैं बंद, बाकी जगह देखते हैं। ये दूसरा सिटिंग एरिया, ये रहा इनका प्राइवेट स्विमिंग पूल। पानी काफी साफ है, लगता है हमारे आने के लिए पूरा अरेंजमेंट किया है।
इंटीरियर और क्लीनिनेस बहुत ही हाई लेवल की है। और ये है इनका किचन एरिया। अभी क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, गैस है यहाँ पे और एक फ्रिज आपको मिल जाए और माइक्रोवेव भी है। और चलो एक मास्टर बेडरूम में एंट्री कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस मास्टर बेडरूम है जहाँ पे दो बेड लगे हुए हैं और इस एक एक बेड में कम से कम तीन लोग सो सकते हैं। और ये है इसका टॉप जहां से सुबह सुबह सनलाइट आ जाएगी। तो आर्किटेक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है भाई, जिसने भी डिजाइन किया है बहुत बढ़िया डिजाइन किया है। वॉशरूम लगभग लगभग रूम के साइज के हैं। क्या हो गई शिफ्टिंग? तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ क्योंकि वो ही जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये दूसरा सिट आउट एरिया जहां पे हम लोगों ने प्लान किया है कि आज पार्टी यहीं पे ही होगी। और फिर ये एक और रूफ जिसका एक्सेस मुझे देखना पड़ेगा। यस, तो यहाँ से आपको रूफटॉप का भी एक्सेस है। चलो इसको बंद करते हैं।